हेमादिनी रेडियो में मैं दिव्या दादा राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे इस नए वीडियो में। आज की जो वीडियो है उसका टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस टॉपिक पे होने वाला है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आप सभी को डिटेल में बता देती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है मेरी राजपूती ज्वेलरी, मतलब मेरी गोल्ड की जो ज्वेलरी है उस पर। तो मैं आज आप सभी को जो है मेरी जो गोल्ड ज्वेलरी, मेरी शादी की ज्वेलरी है वो मैं आप सबको दिखाऊंगी। उसकी डिज़ाइन बारीकी से बिल्कुल पास से मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ। तो हो सकता है कि आज की जो मेरी वीडियो है वो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही, तो जरूर देखिए एंड तक। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा ये गोल्ड का जो सेट है ये वाला। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं मतलब एक जो सेट है वो काफी बार पहन के रखती हूँ अपने गले में, तो बस ये वही वाला सेट है। तो इसको ओपन करते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको इसको। दरअसल ये वाला जो सेट है ये मेरा फेवरेट वाला सेट है, मतलब बहुत ज्यादा मुझे ये पसंद है। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ एक बार। सबसे पहले मैं आपको इसकी रिंग दिखाती हूँ। इसकी जो रिंग है ये काफी बड़ी साइज की है। मैं जब भी मतलब कोई राजपूती सूट पोशाक वगैरह पहनती हूँ तो मैं बस एक हाथ में ये वाली रिंग पहन लेती हूँ, तो मुझे मतलब फिर दूसरी कोई चीज, दूसरी रिंग पहनने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। ये वाली रिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आपने मुझे देखा होगा काफी फोटोज में इसी रिंग के साथ में। और उसके बाद में जो है इसी सेट में सेम डिजाइन में बने हुए हैं इसके इयररिंग्स। इसके जो इयररिंग्स है वो कुछ इस तरीके के हैं, आई होप आपको दिख रहा हो अच्छे से। ये इसके इयररिंग है जिनकी साइज बड़ी है, मतलब अच्छी है। और उसके बाद में ये है एक गले का, जिस डिजाइन के इयररिंग बने हुए हैं उसी डिजाइन का ये है, मतलब जिस डिजाइन का ये बना हुआ उसी सेम डिजाइन जो बीच में लगा हुआ उसी डिजाइन के इयररिंग्स है। तो जब ये वाला सेट मैं पहन लेती हूँ तो मुझे गले में और कुछ भी पहनने की, लॉकेट वगैरह कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिकॉज ये जब मैं पहन लेती हूँ तो पूरा गला जो है बराबर ऐसा हो जाता है, पूरा गला जो है भर जाता है। तो ये था मेरा पहला सेट जो मुझे मिला था मेरी शादी में ससुराल वालों की तरफ से, मतलब जब शादी होकर जब मैं पहली बार अपने घर में आई थी तो मम्मी जी पापा जी ने मुझे ये वाला सेट दिया था और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उस सेट के बाद हम बात करें मेरी बाकी की जो ज्वेलरी जो मुझे मायके से मिली थी, मतलब जो मम्मी पापा ने मुझे दी थी, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी मेरी ये वाली रखड़ी। इसकी जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा बारीक ही बनी हुई है, बहुत ज्यादा बारीक बनी हुई है। मुझे मेरी सच बताऊं तो मुझे मेरी जो ज्वेलरी है उसका मतलब कोई सा भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे नहीं पसंद है। मतलब मुझे अपनी ज्वेलरी की जो डिजाइन है, बारीकी है, कलर है, वो सभी बहुत ज्यादा पसंद है। ऑफकोर्स मेरी है तो मुझे पसंद तो होगी। तो ये देखिए ये है रखड़ी। इसकी साइज ना ज्यादा छोटी है और ना ही ज्यादा बड़ी है, मतलब मीडियम साइज की ये रखड़ी है। और इसके बाद में हम बात करते हैं सिसपुल की। तो ये है मेरा सिसपुल, मतलब मैं ऐसे ही रख देती हूँ। मैं मुझे ठीक से रखने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, मैं जब भी पहनती हूँ मैं ऐसे ही रख देती हूँ जैसे निकलता ना वैसे। तो ये है मेरा सिसपुल और ये है सिसपुल की डिज़ाइन। जो सेट मैंने आपको दिखाया सेम उसी कलर में है मेरी बाकी की ज्वेलरी। ये है सिसपुल, ये भी ना ज़्यादा बड़ा है और ना ही छोटा है। ये भी मतलब पहनने के बाद ठीक ही लगता है, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगता और ज़्यादा छोटा भी नहीं लगता। और इसके बाद में जो है मैं आपको दिखाती हूँ मेरी इयररिंग्स, जो मतलब मेरी इस ज्वेलरी के साथ में बनवाए थे वो वाली इयररिंग्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरी इयररिंग्स, तो सेट दिखाने के बाद मैं रखड़ी, सिसपुल दिखा दी और इयररिंग्स दिखा दी। और मेरे जो इयररिंग्स हैं उनके साथ में मैंने ये वाला पेंडल बनवाया था शादी में,
जो मैंने अभी पहन रखा है, मतलब नॉर्मल सा ये, बिकॉज मिल रहा है दिन ब दिन, तो मैंने नहीं बनवाया क्योंकि ज्यादा काम तो फिर आता नहीं है, एक ही पहनते बार बार, तो ये वाला नॉर्मल सा था जो मुझे पसंद आया था उस टाइम, तो मैंने ये वाला बनवा लिया था। और तो उन सब के बाद में मैं आपको जो है दिखाती हूँ मेरी ये वाली बंगड़ी, और बंगड़ी के बाद में है ये पूंछी बनी हुई। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि पूंछी पे तो जो है मतलब लड़कियां वगैरह काफी ज्यादा डिजाइन वाली बनवाती है, बट तो मेरी वाली जो पूंछी है वो सिंपल है क्योंकि मम्मी के पास ऐसी थी और मुझे वो ही पसंद थी, मतलब उसी की डिजाइन मुझे पसंद थी। मैं आपको एंड में बताऊंगी कि क्यों नहीं बनवाई मैंने डिजाइन, तो एंड में बताऊंगी, अभी आप देख लीजिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने डिजाइन क्यों नहीं बनवाई थी, ना ही मैंने बंगड़ी पे कोई डिजाइन बनवाई और ना ही मैंने पूंछी पे कोई डिजाइन बनवाई। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ये हथपूल। इसकी जो है ये एक बारीक सी चेन बनी हुई है, मतलब बहुत ज्यादा बारीक तो नहीं बोल सकते बट ज्यादा हेवी भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक सी है, और बीच में ये बना हुआ है एक ऐसा, और दोनों साइड से चेन बनी हुई है, और फिर इसको जो है दो चेनों से इसे टच किया हुआ है, और बीच में जो है ये बड़ा सा बना हुआ है। और उसके बाद में जो है ये इसकी रिंग है, मतलब मेरा जो हथपुल है वो 3 अंगूठियों का है, 3 रिंग का बना हुआ है, तो ये है इसकी तीनों रिंग ऐसा। फूल के बाद में मैं जो आपको दिखाने वाली वो है मेरा ये बाजू बंद, और ये है मेरे बाजू बंद की डिजाइन। आपने देखा होगा कि ये वाली जो डिजाइन है वो पहले के टाइम में भी मतलब होती थी, और मतलब सिंपल सी लग रही है वो, ये आपको मतलब बहुत ज्यादा डिजाइन इधर नहीं की हुई है, बस एक बीच में ये पिंक कलर का लगा हुआ है और बाकी जो गोल्ड की डिजाइन है वही है, और बीच में जो है जो मेरी बाकी की ज्वेलरी है सेम उसी डिजाइन का इसमें बीच में एक ये बना हुआ है। तो ये थी मेरी आज की गोल्ड ज्वेलरी, आज की क्या मतलब शादी की गोल्ड ज्वेलरी, शादी के बाद की, मतलब इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, जो शादी के टाइम था सब वही है, और कुछ ज्वेलरी जो बाकी रह गई है, मतलब जो मेरी एंगेजमेंट की रिंग थी या फिर जो मेरी नथ है, वो नथ मुझे अभी मिल नहीं रही है, पता नहीं मैंने कहाँ रखी हुई है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। तो मैंने आप लोगों से बीच में कहा था कि मैंने अपनी ज्वेलरी पे मतलब बंगड़ी पे और पूंछी पे डिजाइन क्यों नहीं बनवाई, तो उसका रीजन ये था कि मुझे हमेशा मतलब सिंपल ही पसंद थी और डिजाइन नहीं बनवाई, क्योंकि डिजाइन वाली जो है वो काफी थोड़े टाइम बाद में, साल बाद में, 2 साल बाद में, चलो साल 2 साल छोड़ो, लेकिन 5-10 साल बाद में वो थोड़ा पुराना ओल्ड टाइप में लगने लग जाता है। तो मैंने मतलब ऐसी ज्वेलरी बनवाई जो सदाबहार रहे, जो जिसको मैं कभी भी पहनूं तो वो न्यू लगे, मतलब ऐसे नहीं लगे कि पुरानी हो गई है। तो जिन भाइयों की शादी होने वाली है इन फ्यूचर और जो अपनी ज्वेलरी के लिए डिजाइन सर्च कर रहे हैं गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर अपने फ्रेंड्स से पूछ रहे हैं, तो उनको मैं एक सजेशन जरूर देना चाहूंगी कि आप कभी भी ट्रेंडिंग गोल्ड ज्वेलरी ना बनवाएं, बिकॉज अगर आप ट्रेंडिंग ज्वेलरी बनवा रहे हैं तो जैसे ही नेक्स्ट वेडिंग सीजन आएगा अलग ट्रेंड में ज्वेलरी आ जाएगी, अलग डिजाइन ट्रेंड में आ जाएगा, और आपने जो पिछले साल में ही बनवाई है ट्रेंडिंग ज्वेलरी वो मतलब पुरानी लगने लग जाएगी, आपको खुद को पुरानी लगने लग जाएगी, क्योंकि आप 1 साल बाद में ही देखोगे तो नया ट्रेंड आ जाएगा, फिर आप दूसरे साल देखोगे तो फिर और नया आ जाएगा। और गोल्ड ज्वेलरी है भाई, गोल्ड ज्वेलरी बार बार तो बनती नहीं है, मतलब एक बार दो बार, एक बार भी मुश्किल से बनवा पाते हैं अपन लोग, तो आप हमेशा ऐसी ज्वेलरी बनवाए जिसकी डिजाइन मतलब ऐसी डिजाइन ज्वेलरी बनवाए जो हमेशा सदाबहार है और आपको कभी भी पुराना मतलब पुरानी नहीं लगे, आप जब भी उसको पहनो तो आपको अच्छा लगे, मतलब दूसरों की ज्वेलरी देखकर आपको ऐसा ना लगे कि यार मेरी ज्वेलरी जो है पुरानी हो गई है। और तो अगर आपको मतलब शौक है ट्रेंडिंग ज्वेलरी पहनने का तो आर्टिफिशियल आप खरीद सकते हैं, बट गोल्ड में ना बनवाए, मेरा तो यही मानना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, उम्मीद है आप सबको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, और आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेके आऊं मुझे इसके लिए भी जरूर सजेस्ट करें।